हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप लोगों का काम है चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार है। और इंतजार क्यों ना हो, क्योंकि लास्ट का वीडियो अधूरा सा था। आपके मन में कहीं ना कहीं होगा कि यार, लास्ट वीडियो में तो बताया गया था कि DMIT का डेमो बता रहे हैं और कहा गया था कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद डेमो देखने को मिलेगा, वीडियो कंटिन्यू होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप DMIT का डेमो दिखा सकते हैं और अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ा सकते हैं और किसी भी पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं और अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं और DMIT से आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उस डेमो के बारे में। लेकिन डेमो को जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं YouTube के एनालिटिक्स में हमारे चैनल के कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो देख रहे हैं और उनका वॉच टाइम आ रहा है लेकिन वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे ही चैनल का एनालिटिक्स आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे लेकिन वीडियो बराबर देख रहे हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि लोगों तक ये DMIT के बारे में इंफॉर्मेशन जा सके और इस मुहिम को हम तेजी से फैला सके पूरे देश के अंदर। चलिए हम लोग जानते हैं बिना देर करे DMIT के डेमो के बारे में। DMIT के डेमोस्ट्रेशन में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि DMIT में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का योगदान है, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो लाइमलाइट में आए, सामने आए। उनमें से पहले साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हारल्ड कमिंस, जिन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन है, उस थ्योरी को बताया। उनका इस चीज को बताने में, इस रिसर्च को करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर हैं उनका भी बहुत योगदान है, जिनका नाम है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने बताया 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कि हर इंसान 8 तरह की बुद्धि लेकर पैदा होता है, लेकिन वो बुद्धि कैसे पता लगे कि हम कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा शार्प लेकर पैदा हुए हैं, इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करा डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने, जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहा DMIT में। एक डॉक्टर और हैं जिनका नाम है डॉक्टर रोजर W. स्पेरी, इन्होंने बताया कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन किस तरह से कार्य करता है, लेफ्ट ब्रेन के क्या कार्य हैं, राइट ब्रेन के क्या कार्य हैं, इस चीज को, इस थ्योरी को बताने के कारण इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी इस थ्योरी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन DMIT में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा और बहुत सराहनीय है। अब बात आती है एक और डॉक्टर की, जिनके रिसर्च के कारण ही DMIT का डेमो तैयार हुआ, जिनका नाम है डॉक्टर विलियम M. मार्सन। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डॉक्टर विलियम मार्सन को, जिन्होंने बताया कि दुनिया में 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन उन 4 तरह की पर्सनैलिटी वाले लोगों को हम जज कैसे करें। तुम दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड के थंब के प्रिंट से ये बता सकते हैं कि सामने वाले पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कैसे जज करें भला, जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, मान लीजिए अगर आप DMIT का काम ऑलरेडी कर रहे हैं और इसमें एक्सपर्ट हैं, तब तो ये वीडियो आपको और ज्यादा अव्वल दर्जे का DMIT एक्सपर्ट बना देगा। लेकिन आप DMIT का कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं आपको चीज सीखने को मिलेगी। और अगर आपको सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप DMIT का पहले से काम कर रहे हैं और आपको सीखने को बहुत अच्छा मिले तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं, डॉक्टर विलियम मार्सन ने बताया कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हम जो लेफ्ट थंब है, इसके प्रिंट से आप किसी के बारे में उसकी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए और प्रिंसिपल को कंसेप्ट समझा रहे हैं, या आप किसी ट्रेन में चल रहे हैं और आपके सहयात्री को आप DMIT के बारे में बताना चाहते हैं, और या आप ट्रेन के अंदर बहुत लंबी जर्नी पे हैं और आपको लग रहा है कि 17-18 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने के दौरान, और आप सहयात्री को DMIT बताना चाहते हैं, आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो आप बात कैसे चालू करें, प्रिंसिपल को कैसे समझाएं, किसी अनजान व्यक्ति से बात कैसे करें। किसी गैदरिंग में हैं आप, शादी में, पार्टी में, किसी मॉल में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और मैं DMIT उन्हें बता सकता हूं, लेकिन बात कैसे शुरू करूं, उनके अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से बात कैसे शुरू करूं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। तो डॉक्टर विलियम की थ्योरी को याद करिए कि उन्होंने बताया कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट थंब से हम किसी भी व्यक्तित्व को बता सकते हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का लेफ्ट थंब में फिंगरप्रिंट पैटर्न, जो हमारे यहाँ
फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट थंब के अंदर अगर फिंगरप्रिंट वर्ल कैटेगरी का है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वर्ल तरह का अगर फिंगरप्रिंट है तो उसकी पर्सनैलिटी होगी डोमिनेंट, और डोमिनेंट पर्सनैलिटी वालों की तुलना की जाती है एक पक्षी से, एक बर्ड से, जिसका जिसको हम बोल सकते हैं डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला जो बर्ड होता है वही है ईगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाज, चील, गिद्ध, कुछ भी बोला जा सकता है। तो उसकी तुलना की जाती है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी से। अब मान लेते हैं आपने किसी के लेफ्ट थंब में देखा कि इसकी तो फिंगरप्रिंट वर्ल है, तो आपको दिमाग में क्लिक हुआ कि इसकी पर्सनैलिटी तो बाज के जैसी है, बाज मतलब ईगल के जैसी, यानी डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक बोलना चालू करिए। जब आप उसकी बोलना चालू करेंगे तो सामने वाले से पूरी पर्सनैलिटी मैच होगी जो आप बोलेंगे। जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना लेफ्ट थंब उठाइए और उसको देखिए, इस तरह से मोड़िए, अपने मोबाइल की टॉर्च लीजिए और उसके ऊपर डालिए, रिफ्लेक्ट करिए और देखिए कि उस पर कौन सा फिंगरप्रिंट पैटर्न आपको दिख रहा है। कहीं वही फिंगरप्रिंट पैटर्न दिख रहा है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं? अगर वही फिंगरप्रिंट पैटर्न दिख रहा है तो आप डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के हैं। अगर आपको वर्ल्ड फिंगरप्रिंट पैटर्न दिख रहा है तो आप डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के हैं। और आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या ऐसी है जो मैं बोल रहा हूं? हो सकता है इनमें जो मैं चीज बोल रहा हूं आप सारी मैच कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप पीपल ओरिएंटेड हो, स्टेज पर जाके बात करना आपको बहुत पसंद हो, आप लीडरशिप क्वालिटी लेकर पैदा हुए हो, आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेकर स्टिक हो जाते हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, या आप जन्मजात जो है इस तरह की पर्सनैलिटी लेकर पैदा हुए हैं कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर, लेकिन आप लीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप बोलें, लोग आपकी बात को सुने, आप किसी का कंट्रोल में नहीं आना चाहते, लोग आपके कंट्रोल में रहें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा कि लीडरशिप क्वालिटी में अक्सर ऐसा होता है। तो अगर ये चीज़ आप देखें, और सेम चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के सामने अगर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला ही पर्सन आ जाए तो उनकी ट्यूनिंग आपस में नहीं निभती, बहुत रेयर चांस में ही उनकी ट्यूनिंग आपस में रहेगी, अगर उनकी राइट थंब की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, जिसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राइट थंब क्या सजेस्ट करता है, अभी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट थंब के बारे में। तो इस पर्सनैलिटी को आपको देखने को मिलेगा। साथ में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मैं ये भी कहूँगा कि ये जन्मजात अपना टारगेट लेकर पैदा होते हैं, इन्हें कहना नहीं पड़ता है कि यार आपको ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये अपना टारगेट फिक्स रखते हैं और उसे बाय हुक और क्रुक अपना टारगेट अचीव करने में लग जाते हैं, इन्हें कहना नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर हम सेकंड पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, और आपने किसी का लेफ्ट थंब देखा और उस लेफ्ट थंब के अंदर अगर लूप नाम का फिंगरप्रिंट है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर लूप नाम का फिंगरप्रिंट है तो उसकी पर्सनैलिटी होगी डव, और डव पर्सनैलिटी की एक पक्षी से तुलना की जाती है जिसे हम बोलते हैं कबूतर, यानी डव यानी कबूतर या स्टेडी पर्सनैलिटी। तो डव पर्सनैलिटी, स्टेडी पर्सनैलिटी, कबूतर के स्वभाव का वो पर्सन, तो आप वही कैरेक्टरिस्टिक बोलना चालू करिए। अगर बोलना चालू करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सरप्राइज होगा। उसी तरह से जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो क्यों ना आप अपने लेफ्ट थंब में देखिए कि अगर पर्सनैलिटी आपकी भी लूप है, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा फिंगरप्रिंट पैटर्न है, अगर वैसा ही पैटर्न आपका भी है तो हो सकता है कि आप में वो सभी बातें हों जो मैं बोलकर बता रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, मिलनसार हो सकते हैं, खुश मिजाज हो सकते हैं, लोगों से रिलेशनशिप बनाना आपको ज़्यादा पसंद है, आप पैसे से ज़्यादा रिलेशनशिप को महत्व ज़्यादा देते हैं, लेकिन आप मिलनसार हैं, टीम प्लेयर हैं, सभी के साथ मिलकर काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा की स्थिति, आमना सामना की स्थिति से दूर रहना पसंद करते हैं। एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी होती है डव पर्सनैलिटी, जिसकी ट्यूनिंग बाकी की तीन पर्सनैलिटी से मैच मिल जाती है, वो सभी से ट्यूनिंग निभा सकते हैं। तो ये डव पर्सनैलिटी वाले बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इन्हें म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये दिमाग से नहीं दिल से ज़्यादा सोचते हैं। चलिए हम लोग थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न लेफ्ट थंब के अंदर एस तरह का फिंगरप्रिंट पैटर्न हो, एस जिसे हम बोलते हैं एस फैमिली का फिंगरप्रिंट पैटर्न, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस तरह के फिंगरप्रिंट पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एस तरह का। अगर इस तरह का फिंगरप्रिंट आपके भी लेफ्ट थंब के अंदर है तो हो सकता है आप कंप्लाइंट पर्सनैलिटी के हैं, और कंप्लाइंट पर्सनैलिटी वाले की तुलना की जाती है आउल से। आउल को लिटरली आप इस तरह का मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति उल्लू स्वभाव का है, उल्लू नहीं, जैसे हम सहज भाषा में बोलते हैं अरे यार तो उल्लू ही है, उल्लू नहीं, ये आउल पर्सनैलिटी का मतलब है कि विदेशों में फॉरेन साइड में आउल को बहुत ही बुद्धिजीवी माना जाता है। तो कंप्लाइंट पर्सनैलिटी की खास बात यह है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके की होती है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, लॉजिक बहुत ज़्यादा लगाते हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस लवर हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, और हो सकता है कि कोई भी डिसीजन लें तो उसमें बहुत लेट निर्णय पर पहुंचते हैं। अगर इनके समक्ष दो तीन तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी है कि हमें लगता है कि यार इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है, उसमें से अगर इन्हें चॉइस दी जाए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कोई सी भी अपॉर्चुनिटी को ये कैच नहीं करेंगे, भले ही वो हाथ से चली जाए। लेकिन इनके साथ में कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे ही फील्ड में जाना चाहिए जैसे कंप्लाइंस ऑफिसर या एनालिसिस वाला कोई काम हो, डिटेल्ड या डेटा एनालिसिस, इस तरीके काम में जाएं, क्योंकि बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड लोग होते हैं। अगर हम बात करें एक और पर्सनैलिटी के बारे में जिसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके लेफ्ट थंब में आर्च नाम का फिंगरप्रिंट है, अगर लेफ्ट थंब में आर्च तरह का फिंगरप्रिंट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आर्च तरह का फिंगरप्रिंट आता है तो उसकी तुलना की जाती है पिकॉक नाम के पक्षी से, मोर से, जिसे हम डीएमआईटी की भाषा में टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी है। साथ में इन लोगों के साथ है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर पसंद है, इन्हें दुनिया की चमक दमक, कपड़े पहनना, पार्टी लवर होना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, चार लोगों के बीच में काम ही ऐसा करते हैं कि इनकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट हो जाए और ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगे, ऐसा काम करने का इनका प्रयास रहता है। लेकिन ये फेयर वेदर फ्रेंड्स बनाते हैं मौसम के हिसाब से, इनके साथ में ऐसा नहीं होता है कि ये दोस्ती तोड़ दे तुरंत गुस्से में आ जाए, ये हाय हेलो की दोस्ती रखते हैं, जरूरत के ऊपर ये उसे याद कर सके इसलिए हेलो हाय हेलो है की दोस्ती रखते हैं। इनके साथ में रहता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ टाइमिंग, इनका टाइम का कुछ पता नहीं है, कुछ आलसी स्वभाव के रहते हैं क्योंकि इन्हें ऐशो आराम और कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद होता है। इस तरह की पर्सनैलिटी, जितनी मैंने आपको चार तरह की पर्सनैलिटी बताई है, इनका उपयोग आप किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट थंब का केवल प्रिंट देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया कि आप दो अंगूठे और आठ अंगुलियाँ यानी कि 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट लेकर उसके बाद में किसी को जज करके बताओ, मैंने सिर्फ लेफ्ट थंब का बताया। अगर लेफ्ट थंब से भी आप इतना ज़्यादा डिटेल्ड में बता सकते हैं किसी को कैरेक्टरिस्टिक, तो आपके लिए कमाल ये होगा कि सामने वाला भी सरप्राइज होगा और डीएमआईटी पे उसका फेथ बढ़ेगा, आपकी सेल भी क्लोज हो सकेगी और आप डीएमआईटी से जो फीस चार्ज करते हैं वो ले सकेंगे। चलिए हम एक चीज़ के बारे में और जान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो अक्सर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके सामने कई सारे सहयात्री, आपके पैसेंजर, को पैसेंजर बैठे हैं और उनके बच्चे बैठे हैं और आप चला के डीएमआईटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा जरिया है, आप किसी भी बच्चे से हाय हेलो कर सकते हैं, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका, और चला के उसका लेफ्ट थंब हाथ में उठाइए और उसका थंब का फिंगरप्रिंट पैटर्न देखिए और देखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक बोलना चालू करिए। जब बोलना चालू करेंगे तो उनके पेरेंट्स भी सुनेंगे और वो सरप्राइजिंगली पूछेंगे कि हम तो ट्रेन में पहली बार आपसे मिले, आपने हमारे बच्चे के बारे में इतना सटीक कैसे बताया। आपको मौका मिल जाएगा डीएमआईटी को बताने का, डीएमआईटी के तो आप एक्सपर्ट बन ही चुके हैं, अगर आप हमारी ट्रेनिंग ले चुके हैं जब तो बहुत ही अव्वल दर्जे के डीएमआईटी एक्सपर्ट हैं, नहीं तो इस वीडियो को देख के जितना आपने नॉलेज हासिल किया है अगर इतना भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेनिंग लें तभी आप सीख सकते हैं। देखिए, आपने उस बच्चे के बारे में बताया, पेरेंट जागरूक हो गया और आपसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ होती है, आपने कैसे बताया। आप एक चांस और ले सकते हैं, आप कहेंगे पेरेंट्स को कि लाइए आपका लेफ्ट थंब दीजिए, आप उनका लेफ्ट हाथ उठाइए और उनके बारे में बता दीजिए, पेरेंट और ज़्यादा जिज्ञासु ईगरली आपसे पूछेंगे कि कैसे करा आपने, एकदम सही बताया, मैं तो इसी तरह के व्यक्तित्व का धनी हूँ, आप उसके बारे में बताएंगे, फिर डीएमआईटी बताइए। तो आपको डीएमआईटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना अगर आता है तो वो उसी दिन सेल आपकी क्लोज हो जाएगी। ये चीज़ आप ट्रेन में भी कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं, मॉल्स में भी कर सकते हैं, किसी पार्टी में कर सकते हैं, किसी शादी में कर सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में कर सकते हैं, जहाँ भी गैदरिंग मिले, जहाँ भी मौका मिले, आप ये डेमो दिखा सकते हैं जो आपके डीएमआईटी को, खुद की स्किल को तो शार्प करेगा लेकिन आपकी सेल बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक लास्ट में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि एक इंसान के अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, वो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट हैं
और हमें कैसे पता लगे कि कोई भी इंसान कौन से इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लेकर पैदा हुआ है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछना मत भूलिएगा। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, तो आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।